नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज ओमान में बच्चों की, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, मिला कि आज ओमान में कितना नए मरीज दर्ज हुए पिछले 3 दिनों में। फ्राइडे हो गया, सैटरडे और संडे आज है, तो आज अब तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो अपडेट दिया है कितने अब तक हुए हैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने थोड़ी देर पहले इसको ट्वीट कर जानकारी दिया कि ओमान में टोटल अगर जो केस की बात करें, जो नए मामले दर्ज हुए हैं उनकी बात किया जाए तो यहाँ पे 1657 नए मामले दर्ज हुए हैं। जुमा हो गया, सैटरडे और संडे, 3 दिनों में 500 प्लस ओमान में ये बीमारी का मरीज बढ़ता ही गया। जैसा पिछले हफ्तों में भी 500, 600, 700 के करीब आता था, उसी तरह आज भी आज स्टार्ट में ही देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई लेवल पे केस जा रहा है। वहीं बात करें कि अब तक टोटल केस ओमान में कितना हुआ है, आज तक की अगर जो बात करें 18 अक्टूबर 2020 तक बात करें तो यहाँ पे 109,953 आदमी अब तक ओमान में इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। काफी ज्यादा ग्राफ स्लोली सही बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात कर ले अब तक टोटल रिकवरी की, ओमान में कितने आदमी इस बीमारी से ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, उनकी अगर जो बात करें यहाँ पे तो जो 109,953 आदमी इस बीमारी का शिकार हुए उसमें से 95,624 आदमी रिकवर हुए, जो कि काफी बेहतरीन है भाई, काफी बेहतरीन। हालांकि इस समय की बात करें तो रिकवरी रेट थोड़ा बहुत गिरता चला जा रहा है, स्लोली सही, लेकिन ओमान में रिकवरी रेट गिर रहा है। उसकी एक वजह क्योंकि लगातार ओमान में केस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात करें कि अब तक ओमान में कितने आदमी पिछले 3 दिनों में एक्सपायर हुए हैं इस बीमारी के शिकार की वजह से, जो बीमारी पूरी दुनिया को चपेट में ले रखी है, 30 आदमी एक्सपायर हुए हैं, काफी ज्यादा एक्सपायर हुए। पिछले जो सैटरडे को संडे को अपडेट आया था उसमें 27 आदमी इस दबी वीक में काफी हाई लेवल पे हुआ है, जो कि काफी बैड है। वहीं टोटल की बात कर लें कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं आज तक 18 अक्टूबर 2020 तक बात करें यहाँ पे तो 1101 आदमी, 1101 आदमी अब तक ओमान में इस बीमारी से अपना जान गवा बैठे, जो कि काफी बैड है, एक दुखद अपडेट है। लगातार स्लोली सही हर एक कंट्री में भाई लगातार एक्सपायरी रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात करें अगर जो 72 घंटों में रिकवरी की बात करें, कितने आदमी रिकवर हुए 72 घंटों की, तो वहां पे बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा 1395 आदमी रिकवर हुए हैं, स्वस्थ हुए, जो कि काफी बेहतरीन है, जो कि देखा जाए तो काफी बेहतरीन है। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो भी कानून बनाए भाई, ये इसका बराबर से पालन करो। सुप्रीम कमेटी जो भी कानून बनाया है वो आपके फायदे के लिए बनाए, किसी और के लिए। जितना जल्दी ओमान में बीमारी समाप्त होगा उतना जल्दी हम सभी आपके हंसे और चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी, क्योंकि लगातार हर एक दिन जिस तरह बहुत सारी जगहों पे कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है, तो वो सब ना करें। और बराबर मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और हैंड वॉश और बराबर साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।